हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, मैं आपके लिए बहुत ही सटीक और सही आंसर लेकर के हाजिर हूँ एक बार फिर से। कक्षा 10वीं का जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है उसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे इस वीडियो में मैंने दे दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है ये, इसमें से ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन नहीं, तो ये इसका उत्तर का वाला होगा। दूसरा है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है बच्चों, इसका अधिक सिंचाई, खा वाला ऑप्शन। तीसरा है, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार, जिसका गा वाला लगा लें आप, फ्रेडरिक सारियू, ये होगा इसका सही आंसर। चौथा वाला है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था, तो वो था इंकलाब जिंदाबाद। पांचवा था, लोकमत के मार्ग में बाधा क्या है, तो ये जातिवाद। यहाँ पे एक्चुअल लोकमत नहीं, ये लोकतंत्र होना चाहिए, मिसप्रिंट है, तो इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों जातिवाद, क्योंकि जाति धर्म के नाम पे नेता लोग लड़वाते हैं और लोग भी इस तकरार फंसे रहते हैं जाति धर्म के चक्कर में। छठवें का उत्तर देख लें आप, छठवें का क्या है, बड़ी कंपनियों से किसका नुकसान है, तो सभी छोटे पैमाने के उत्पादकों का में नुकसान हो जाता है। बात करते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे कैसे लिखना है इनको, तो मैंने अभी पिछले वीडियो में भी अपने सब बताया है कि किस तरीके से लिखना, तो इस तरीके से आप इसको हेडिंग डालेंगे सही विकल्प ब्लैक पेन से, और इस तरीके से पूरा लिख देंगे। अब अगले देख लेते हैं रिक्त स्थान। तो पहला है, भारत में सघन वन क्षेत्र, तो ये है 12.2%। बच्चों, ये प्रादर्श प्रश्न बैंक GPS से मैंने उत्तर निकाला है, ये 12.2% था। दूसरा है, जिला मार्ग की सड़कों का निर्माण और रखरखाव कौन करता, जिला परिषद। तीसरा है, पूर्ण स्वतंत्र का प्रस्ताव 31 दिसंबर 1929 को पारित हुआ। चौथे का उत्तर देख लें, छपाई कंपोज करने वाला कंपोजिटर कहलाता है। पांचवे में ये है, पांचवे का उत्तर बच्चों, 73वां एवं 74वां संशोधन, 74वां भी है और 73वां भी, दोनों में मिलकर ये पारित हुआ था। छठवां है जो 65.46%, और लास्ट वाला है, औद्योगिक वस्तुओं की गुणवत्ता का सुरक्षा चिन्ह, जितना मैंने लिखा है उतना पूरा लिख दीजिएगा। सही जोड़ी देख लेते हैं, पहले का होगा बच्चों दूसरा, दूसरे का होगा ये छठवां वाला, तीसरा सिंगली समुदाय, इसका हो जाएगा बच्चों श्रीलंका। चौथा है फैट कोर संगठन, ये क्या रहा बच्चों, बोलीविया समुदाय से। फिर अलोकतांत्रिक देश, ये है चाइना मतलब चीन। और छठवां है सूती वस्त्र उद्योग के लिए, तो अहमदाबाद गुजरात का शहर, ये फेमस है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं बच्चों चौथे प्रश्न, मरुस्थली मृदा का रंग कैसा होता है, सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल कहाँ है, और जाल वेराइन क्या था। ये तीन प्रश्नों के उत्तर मैं पेज पे लिख के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। पहला अब इस तरीके से लिखेंगे, है ना, पहला है लाल व भूरा, दूसरा है गिर के जंगल, तीसरा जर्मन शुल्क संघ, इसकी स्थापना 1834 में हुई थी, ठीक है। तो ये हो गया तीन प्रश्नों के उत्तर। अब चौथे के बाद जो प्रश्न उत्तर आ रहे हैं बच्चों, उनको आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि पुस्तक से लिए हैं। पहला देखें, चौथा कॉर्न लॉ क्या था, ये है इसका उत्तर, ये लिखा हुआ है, ब्रिटिश सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी जिन कानूनों के सहार, ये पूरा लिखा है आप देख लें, पहला इस प्रकार रहा। फिर पांचवा है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेटा ब्रुसेल्स में स्थापित है, ठीक है, ये कहाँ पे है, ब्रुसेल्स, ये पूरा लिखा है। फिर छठवां था, शपथ पत्र से क्या आशय है, शपथ पत्र, तो इसकी भी मैं यहाँ पे उत्तर दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये लिखा है, देखें आप, किसी अधिकारी को सौंपा गया एक दस्तावेज जिसमें किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति अपने बारे में निजी सूचनाएं देता है और उनके सही बारे में होने के बारे में शपथ लेता है, ये सब पूरा लिख दीजिएगा वहाँ से आप लोग। चौथा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है, तो बच्चों वो है केरल, केरल भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न में, सत्य असत्य हैं जो, तो देख लें आप लोग, पहला है असत्य, दूसरा है मार्टिन लूथर वाला, ये है सत्य हो जाएगा इसका उत्तर। तीसरा था, ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्ट में विभाजित थी, तो जी हाँ ये भी सत्य है। चौथा वाला है, भारतीय स्टेट बैंक करेंसी नहीं, ये तो रिजर्व बैंक जारी करती थी, ये असत्य हो जाएगा। पांचवा है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र नहीं, ये भी असत्य है। और लास्ट वाला है, चाय की झाड़ियों में उगाने के लिए, तो ये है सत्य। देख लें, ये पूरे हो गए आपके सत्य सत्य अच्छे से। इस बार मैंने आपको लिख के नहीं समझाया है क्योंकि मैंने इतने दिन से वीडियो में बता रहा हूँ, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए फटाफट निकाला। छठवा प्रश्न देखते, एजेंडा 21 क्या है, इसका उत्तर ये लिखा हुआ है पूरा बच्चों, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और लिखना कैसा है किस तरीके से, मैंने अपने पुराने वीडियोस में आप लोगों को बताया है पूरा लिखने का तरीका। इस वीडियो में मैंने डायरेक्ट आप लोगों को उत्तर प्रोवाइड कराए हैं, तो आप लोग उत्तर को लिख लीजिएगा हेडिंग ब्लैक पेन से, बाकी ब्लू पेन से लिखना है। अगला है सातवां प्रश्न, जैव विविधता किसे कहते हैं और आरक्षित वन किसे कहते हैं। बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि हम आपके एग्जाम में मदद करते रहते हैं।
हैं हमेशा। ये देखें, ये है आरक्षित वन का उत्तर, आरक्षित वन क्या होते हैं, ये पूरा लिखा हुआ है, आप इसको बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा। हमारे चैनल में आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी और हर एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है, तो आप लोग हमसे जुड़ जाएँ हमेशा के लिए। अगला प्रश्न है, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, जो कि आठवां प्रश्न है। आठवें प्रश्न का उत्तर देख लें आप लोग, ये है जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहते हैं, ये चौथे नंबर पर लिखा हुआ है। जूट को भारत का सुनहरा रेशा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका रंग जो होता है सोने की तरह चमकीला होता है, ठीक है, ये पूरा लिखा है, देख लें आप इसको। अगला प्रश्न था, औद्योगिक क्रांति से क्या आशा है और जाबर मजदूरों पर किस तरह नियंत्रण रखने लगे, तो यहाँ पर हम देखें आपको उत्तर दे दिया है हमने जाबर मजदूरों वाला, तो जाबर मजदूरों पर किस तरह नियंत्रण रखने लगे पूरा लिखा हुआ है, इसको अच्छे से देख लें और अच्छे से लिख लीजिएगा। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, काटा पीटी ना करें। अगला प्रश्न था, पंचांग किसे कहते हैं और गैली से क्या अभिप्राय है, तो बच्चों यहाँ पे मैंने ये दोनों प्रश्न के उत्तर आपको दे दिए क्योंकि एक ही पेज पे मिल गए मुझे, तो मैंने दोनों के दे दिए। देखिए चौथे में पंचांग लिखा हुआ है और छठवें में गैली लिखा है, तो पंचांग का पंचांग लिखना हो तो वो लिख लें, गैली लिखना हो तो गैली लिख लें, जो कुछ भी लिखना हो आपको कोई एक लिखिएगा, बस इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, एफ्रो अमरीकी से क्या आशा है और उसके अथवा में था अश्वेत शक्ति वाला, तो मैंने अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था इसका उत्तर दिया हुआ है, पर जो उत्तर मैंने लिया वहाँ पे अश्वेत शक्ति की जगह क्रांति वर्ड लिखा है, वो मिसप्रिंट है, उत्तर में देखें आप अश्वेत शक्ति से ही स्टार्ट हुआ है, तो ये पूरा आप लिख लीजिएगा। अश्वेतों के द्वारा जो एक प्रकार से क्रांति हुई थी उसमें सारे अश्वेत इकट्ठे हो गए थे, वो अश्वेत शक्ति आंदोलन बन गया था। इसके बाद बच्चों, तानाशाही सरकार की संक्षिप्त व्याख्या, तानाशाही सरकार क्या होती है, जो किसी की नहीं सुनती, पब्लिक के ऊपर अत्याचार करे, अपने नियम कानून चलाए जबरदस्ती, वो होती तानाशाही सरकार। देखें ये पांचवा नंबर का जो है प्रश्न, ये पूरा लिखा हुआ है, तानाशाही सरकार क्या होती है, जिसमें एक व्यक्ति तानाशाह के रूप में कार्य करता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे दक्षिण कोरिया में देख लें आप लोग, वहाँ पे भी तानाशाह होते हैं, किम जोंग उनका शासन चलता है, ये सब पूरा। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न था, तेरहवा प्रश्न, मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में क्यों स्वीकार किया गया और इसके अथवा में था वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशा है, तो देख लें आप लोग यहाँ पे मुद्रा वाला, मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में क्यों स्वीकार किया जाता है, ये पूरा लिखा हुआ है, इसको अच्छे से लिख दीजिएगा। साफ सफाई का ध्यान रखें, काटा पीटी ना हो, बहुत अच्छे से पूरा उत्तर दे दिया है, आप लोग इसको लिख लें। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो प्लीज़ मेरी मेहनत पे एक लाइक दे दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दो अपने, ताकि उनकी भी मदद हो जाए। अगला था, विदेशी व्यापार को परिभाषित और वैश्वीकरण के दो दुष्परिणाम, तो इसमें हमने आपको देखें विदेशी व्यापार का आशय दे दिया। अच्छा इसमें देखिए मैंने टिक किया है कहाँ से कहाँ तक लिखना है, कहलाएगा तक लिख लीजिए, पर्याप्त है, विदेशी व्यापार से आशय देना था इतना पर्याप्त है, नीचे का नहीं लिखिएगा, यहाँ तक बस लिख लीजिएगा जहाँ तक टिक है मेरा। उसके बाद बच्चों अगला प्रश्न था, उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशा है, उपभोक्ता शोषण से बचने के दो उपाय लिखिए, तो उपभोक्ता शोषण से कैसे बचा सकता है या जागरूकता वाला, तो यहाँ देखें उपभोक्ता जागरूकता का उत्तर ये दे दिया है मैंने, ये पूरा लिखा हुआ है, इसको देख लें आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको जूम करके आप लिख लीजिएगा। और प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि आखिर आपको हमारे पास ही आना पड़ता है, तो बार बार क्यों आप छोड़ के चले जाते हो, ये देख लें आप लोग पूरा इसको बहुत अच्छे से। अगला प्रश्न था, खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती, धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो देखें इसमें मैंने आप लोगों को जो उत्तर दिया है वो है खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता पड़ती है, पूरा लिखा हुआ है बच्चों, थोड़ा सा आपको जूम करना पड़ेगा स्क्रीनशॉट लेकर के। एक चीज़ और, पिक्चर क्वालिटी हाई कर लिया कीजिए, क्योंकि मेरा एक ही वीडियो रहता है और इसमें आपको पूरे उत्तर मिल जाते हैं, थोड़ा सा आपका डाटा ज़रूर लगेगा, लाइट फुल करके इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, पूरा आपके सामने उत्तर है। 17वां प्रश्न था बच्चों, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले तीन मानवीय कारक, बहुत बड़े बड़े प्रश्नों के बाद एक छोटा सा आपके सामने प्रश्न का उत्तर है, इसमें तीन कारक है, पहला है श्रम, दूसरा है बाजार और तीसरा है परिवहन एवं संचार की सुविधाएं, केवल क्योंकि उनके नाम लिखने थे मानवीय कारक, तो अब आप चाहो तो इसके अंदर कुछ आप हेडिंग के बाद कुछ भी और लिखना चाहते तो लिख सकते हो आप लोग, यदि आपसे बन जाए तो। अगला प्रश्न था, ईस्ट इंडिया कंपनी वाला और उसके अथवा में था सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर क्यों पहुंच गया, बच्चों ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके हाफ ईयरली में भी आया था और मे बी तिमाही में भी पूछा गया है ये, तो इसको आप देख लीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, मैंने ये आपके लिए परीक्षा अध्ययन से निकाला है, तो आप देख लीजिएगा, अगर आपके पास परीक्षा अध्ययन है तो उसमें भी आपको ये मिल जाएगा, देख लीजिएगा आपको परीक्षा अध्ययन में सूरत बंदरगाह वाला, ये पूरा लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको भी लिख डालिएगा।
अगला प्रश्न था लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका पर प्रकाश डालिए। लोकतंत्र में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इस कथन को आपको तीन बिंदुओं में स्पष्ट करना था। तो देखें यहाँ पर मैंने बताया है ये भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका, तो आपको इसमें हेडिंग बदल दीजिएगा, आप लिख दीजिएगा लोकतंत्र वाला जो प्रश्न का उत्तर है ना वही लिख दीजिएगा, यही है। क्योंकि उत्तर बच्चों आपको उत्तर कहीं नहीं मिलेगा, यही है एक्चुअल में उसका उत्तर, आप इसको लिख दीजिएगा, वो एक मेरा विश्वास करिए आप लिख सकते हैं इसको। इसके बाद था बेटा भारत के मानचित्र में दर्शाना, मानचित्र में कहाँ दर्शा पाता मैं आपके लिए, फिर भी मैंने आपके लिए एक कुछ इमेज यहाँ पर दिखाई है, देख लें आप उसमें। ये देखिए मैं इसको जूम करते जा रहा हूँ, ये देखिए सिंगरौली कहाँ पर है, तो नक्शे में आपको कहाँ दिखाना है सिंगरौली दिखा दीजिएगा। तारापुर भी बना के बताया है, कलपक्कम ये भी है, चार पॉइंट दिखाने थे, सिंगरौली, तारापुर, कलपक्कम और उसके बाद बेलाडीला की खदानें। तो ये बच्चों छत्तीसगढ़ के बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ये देख सकते हैं ये लिखा था। अगला है आप 21वां प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो बच्चों जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए पूरा उत्तर है आपके सामने यहाँ पर, आप इसको बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको जूम करके इसको भी लिख लीजिएगा। बच्चों प्लीज़ हमारी द्वारा दी गई जानकारी एकदम सही और सटीक होती है, अगर आप हम पे भरोसा करते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए अपने दोस्तों को भी क्योंकि वो भी उसका फ़ायदा उठा लें। अगला देख लें आप लोग 22वां प्रश्न था, लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ कौन सी हैं और राजनीतिक सुधारों के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। देखें यहाँ पे लोकतंत्र और प्रजातंत्र एक ही वर्ड होता है, बस नाम अलग अलग हो जाते हैं। देख लें यहाँ पे ये प्रमुख चुनौतियाँ हैं लोकतंत्र के समक्ष, पहला है निर्धनता बेरोजगारी, दूसरा जातीयता क्षेत्रीयता भाषाई समस्याएँ, तीसरा है बच्चों निरक्षरता, चौथा सामाजिक कुरीतियाँ और पांचवा संचार साधनों की नकारात्मक भूमिका। बच्चों क्लियर कट मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको तैयार कर लीजिएगा आप अच्छे से। इसके बाद बच्चों हमारा जो था अंतिम प्रश्न, वस्तुओं के मानकीकरण का क्या अर्थ है और उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशा है। तो बच्चों यहाँ वस्तुओं का मानकीकरण वाला मैंने आपके लिए सॉल्यूशन दे दिया है, प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को आप शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर लो। इसके बाद हम बहुत जल्द अपने अगले प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन के साथ आपके साथ फिर से हाजिर होंगे और आपकी इसी प्रकार से मदद कर देंगे। ये रहा हमारे आखिरी प्रश्न का उत्तर, इसको अच्छे से देख लें और बहुत अच्छे से इसको भी लिख दीजिएगा, हेडिंग ब्लैक पेन से डाल लीजिएगा और बाकी अंदर ब्लू पेन से। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आप मुझे इजाज़त दीजिए, गुड बाय।